तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे यार। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग एक और अपना नया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है। वैसे दोस्तों मैं रियलमी के बारे में बोलता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करती है, लेकिन यार सैमसंग भी पीछे नहीं है, वो भी बिल्कुल वैसा ही काम करती है। मेरे ख्याल से तो रियलमी सैमसंग से ही इंस्पायर्ड है। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, सैमसंग एक और नया डिवाइस लेके आ रहा है, उसका नाम है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A42 5G। जी हाँ दोस्तों, इसी फ़ोन का लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों एक्चुअली में सैमसंग ने लगभग अपना सभी स्पेसिफिकेशन बता ही दिया है इस फ़ोन से रिलेटेड, बस प्रोसेसर को छोड़ के। तो चलो यार देखते हैं वो स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, और दोस्तों वो प्रोसेसर कौन सा होगा जिसे सैमसंग अभी तक बताया नहीं है, जिसे सरप्राइज रखना चाहता है। तो चलो यार देखते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इस बार कोई पंच होल नहीं है यार, लेकिन यू शेप नॉच है। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आया, अब सारी कंपनीज जहाँ पंच होल की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, वहाँ सैमसंग अपने नए फ़ोन में यू शेप नॉच दे रहा है यार। ये तो हल्का सा पुराना और आउटडेटेड हो जाता है यार, क्योंकि अभी आप अगर कोई भी डिवाइस नया जो आया है दोस्तों इधर एक दो महीने में लॉन्च हुआ है, उन सभी फ़ोन में आपको दोस्तों पंच होल देखने को मिलता है। खुद सैमसंग के फ़ोन में यार पंच होल ही देखने को मिलता है। यहाँ पे सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है नहीं पता। जो भी हो दोस्तों, आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है यार, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रंट में दोस्तों आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। और वहीं बैक साइड के कैमरे के बारे में बात करें दोस्तों, आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा, और कुछ वैसा ही सेटअप है दोस्तों कैमरा का जैसे आपको अभी ओप्पो का रिसेंट जो फ़ोन है ना, ओप्पो F15 या F17 जो भी है यार, मतलब वैसा ही कुछ कैमरा का सेटअप दिया गया है। 4 कैमरा है दोस्तों, और थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, इसका लुक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे। तो मैं इस कैमरे के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों आपको इसमें प्राइमरी इसका जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, और बाकी 3 कैमरे हैं जो यार, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। 2 मेगापिक्सल का मजाक नहीं किया गया है यार, काफ़ी अच्छी बात है ये। ये तो हो गई बात कैमरे की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस फ़ोन के मेमोरी के बारे में। तो यार ये फ़ोन 3 वेरिएंट में आने वाला है, 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम। लेकिन आपको तीनों ही बस दोस्तों रैम का ही अंतर देखने को मिलेगा, आपको मेमोरी 128GB इंटरनल स्टोरेज ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आप माइक्रो SD कार्ड अलग से लगा सकते हो, 1 TB तक का। यार 1 TB तक का माइक्रो SD कार्ड लगाता कौन है। जो भी दोस्तों यही है इस फ़ोन का मेमोरी। और अब बात करते हैं यार प्रोसेसर कौन सा होगा जिसे सैमसंग सरप्राइज रखना चाहता है। तो यार खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 750G लगा हुआ मिल सकता है। यार 750G अगर इंडिया में भी आएगा ना तो काफ़ी अच्छा फ़ोन हो जाएगा यार, 750G स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में। लेकिन यार इंडिया में ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ज़्यादा देते नहीं है, लेकिन जो भी हो दोस्तों देखते हैं सैमसंग क्या करता है। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में आता है ये फ़ोन इंडिया में भी तो काफ़ी अच्छा होगा। लीक्स तो बोल रही है इसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G ही देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गई दोस्तों प्रोसेसर की बात। तो वैसे दोस्तों ये फ़ोन 3 कलर में आएगा, आप स्क्रीन पर देख लो यार, तीनों ही कलर मुझे थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, एक ही जैसा तीनों कलर मेरे को लग रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और आजकल दोस्तों सभी फ़ोन्स में 5000 mAh की बैटरी देखने को हमें मिल ही रहा है, तो इसे बड़ा कहना कोई बड़ा बात अब नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको जो चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगा ना, वो 15W का ही देखने को मिलेगा। मतलब सैमसंग यार मेरे को समझ में नहीं आता है, M सीरीज में दोस्तों जो 20,000 का फ़ोन है उसमें आपको 25W का चार्जर देखने को मिलता है, और ये दोस्तों लगभग 21-22,000 का फ़ोन हो सकता है, इसमें आपको 15W का ही चार्जर देखने को मिलेगा। यार अपने फ्लैगशिप फ़ोन में सैमसंग 15W का चार्जर दे रहा है, तो ये तो दोस्तों A सीरीज का फ़ोन है। तो जो भी है दोस्तों आपको 15W का फास्ट चार्जर इसमें देखने को मिल जाएगा, एडेप्टिव चार्जर, और दोस्तों आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स होगा यार, और सैमसंग का वन UI 2.0 इसमें देखने को
मिल जाएगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्राइस बता ही दिया, इसका प्राइस लगभग 20 से 25,000 रुपए के अंदर में ही होने वाला है। तो दोस्तों यही था सैमसंग गैलेक्सी A42 5G। जी हाँ दोस्तों, ये 5G के साथ में ही आएगा। फोन लॉन्च होगा दोस्तों तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बताऊंगा ही यार ये फोन कैसा है, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अभी तो फोन दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है, वैसे प्राइस देखकर ही पता चलेगा आखिर ये फोन है कैसा। अब आप लोगों का क्या ख्याल है यार इस फोन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और मेरा आप लोगों से सवाल है, आपको नहीं लगता यार सैमसंग भी बहुत ज्यादा फोन लॉन्च करता है? मतलब इतना फोन सैमसंग लॉन्च कर दिया है ना यार, अभी मेरे को याद भी नहीं यार सैमसंग M10 M20 M30s काफी ज्यादा फोन सैमसंग लॉन्च कर चुका है। आपका क्या राय है यार इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल इस वीडियो से रिलेटेड वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा लाइटिंग को वीडियो अपलोड किया। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित मदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।